तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि चार्ल्स ने मुझ पर हमला कर दिया और इतने पावरफुल वेपन्स होने के बाद भी मैं चार्ल्स से मरते मरते बचा। और इसी बहाने मुझे ये भी पता चल गया कि चार्ल्स लकड़ी के ब्रिज के आगे नहीं आता है। तो इसलिए आज मुझे करना यह है कि मुझे अपनी ट्रेन को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना है कि चार्ल्स भी उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके, और मुझे उन केवों से उन तीनों एग्स को इकट्ठा करना है ताकि मैं चार्ल्स को बुला के उसका काम तमाम कर सकूं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं चूचू चार्ल्स। तो अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है जहां पर मुझे एक केव की मिलेगी। आएगा मजा खेल का। तो हम अपनी पहली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से चलते हैं अंदर और इस बंदे से बात करते हैं, जल्दी से इसे की लेते हैं और चलते हैं केव के पास। जल्दी से चलते हैं अंदर और इसका गेट भी बंद है तो इससे बात करते हैं। हाँ भाई, पता जल्दी। तो फाइनली गाइस मैंने इस बंदे से बात कर ली और इसने मुझे की भी दे दिया और मैं दो तीन स्क्रैप ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पर पड़े होंगे एक दो, और हमें स्क्रैप की भी काफी ज्यादा जरूरत है। और इसने मुझे मैप में जगह का टिक लगा के दे दिया, और लेकिन पीछे दो मिशन और है, मैं सोच रहा हूँ पहले उन्हें कर लेते हैं। एक वेपर मिशन है और एक इंपॉर्टेंट मिशन है, तो उसे भी पूरा कर लेते हैं। पहले ट्रेन पर चलते हैं और जल्दी से बैग लेते हैं गाड़ी को। और काश यार इस वाले वेपर मिशन में कोई ऐसा वेपर मिल जाए जिससे चार्ल्स की हम बैंड बचा सके। बात तो सही है। तो लेट्स गो गाइस, हम अपने अगले मिशन पर भी आ गए हैं, चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है। और ये कितनी मोटी आंटी है यार, और यहाँ पर एक स्क्रैप पड़ा हुआ है, इसे कलेक्ट कर लेते हैं और इस आंटी से बात करते हैं। और पता नहीं इनके गेट क्यों बंद रहते हैं यार, इनसे बात करते हैं। हाँ आंटी बताओ क्या बात है। तो फाइनली कैसे मैंने इन आंटी से बात कर ली और ये आंटी कह रही है ये इस गन का आधा हिस्सा है, आधे हिस्से की लोकेशन इसने हमें दे दिया है और इस लोकेशन पर जाके हमें इस आधे हिस्से को भी लेके आना पड़ेगा जब ये गन काम करेगी। लेकिन उससे पहले पीछे एक और इम्पोर्टेंट मिशन है, पहले वहां पर चलते हैं और उस मिशन को कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स गो गाइस, मेरी फायर वाली गन यहां पर लगी हुई है और ये काफी धीरे चलती है यार, थोड़ी देर के लिए चलते हैं लेकिन ये काफी ज्यादा बढ़िया गन है वैसे तो। तो लेट्स गो, हम अपने मिशन में पहुंच चुके हैं और ये वही लकड़ी वाला ब्रिज है जिसने हमें चाल से बचाया, तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पर एक स्क्रैप पड़ा हुआ है, इसे भी जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं, और अपने पास स्क्रैप की भी काफ़ी कमी है तो हमें उसे भी जल्दी से कलेक्ट करना है, काफ़ी सारे स्क्रैप को इकट्ठा करना है। और यहाँ पर एक और पड़ा हुआ है, अब मैं घर के पास आ चुका हूँ और ये घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार, देखो यार कितना तगड़ा बोर्ड लगा हुआ है। चलते हैं अंदर घर के और बंदे से बात करते हैं क्या सीन है। हेलो, कोई है? मैं बिना पूछे अंदर तो नहीं आया, कोई चिल्लाएगा तो नहीं यार। तो यहाँ पर एक स्क्रैप पड़ा हुआ है, तो ये गेट खुल गया, चलते हैं अंदर। और ये खड़ा बंदा दूर भी लेके खड़ा हुआ है, तो इससे बात करते हैं। ओ तेरी, ओ भाई ये बुढ़ाओ का बेटा है जिसके बारे उसने हमें इसके बारे में बताया था, तो इससे बात करते हैं। तो मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है और इसने मुझे कुछ TNT दिया है, ये कह रहा है कि इस TNT को लकड़ी वाले ब्रिज पर लगा के आना है, और जब हम चार्ल्स से फाइट करेंगे, जब हम चार्ल्स को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये उस लकड़ी वाले ब्रिज को ब्लास्ट करेगा, फिर चार्ल्स का काम तमाम हो जाएगा। वैसे इसका आइडिया तो अच्छा है, चलते हैं लकड़ी वाले ब्रिज पर, इन TNT को प्लेस करते हैं। और मैं ब्रिज के पास आ चुका हूँ और शायद मुझे नीचे ही जाना है, हाँ यहीं पर जाना है, और मुझे यहाँ पर TNT प्लेस करना है शायद से, मुझे इन पिलर्स पे, हाँ यहीं पर TNT लगाना है। तो मैं हर प्लर पर एक एक TNT लगा देता हूँ हर जगह, और ये ब्रिज जब ब्लास्ट होगा ना तब बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से मैं सारे TNT प्लेस कर देता हूँ, एक यहाँ पर लग गया, तो इसे भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब एक TNT और रह रहा है, मुझे देखना है इसे मैं कहाँ पर लगाता हूँ और देखते हैं कहाँ लगाना है। तो फाइनली मैंने इसे भी यहाँ पर लगा दिया, अब चलते हैं ऊपर और उस बंदे से जाके बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर सारा काम कंप्लीट कर दिया है और तू अपना काम कर दियो। तो इसे बात करते हैं। तो इस बंदे ने मुझे उस टेंपल की चाबी दी, यहाँ पर हमें एग को लगाना है, लेकिन एग लगाने के लिए एग भी तो होने चाहिए। तो जल्दी से अपनी ट्रेन को रिवर्स भगाते हैं और चलते हैं एग की तलाश में। तो गाइस मैं तो आराम से जा रहा था और ये चार्ल्स मेरे पीछे पड़ गया, तो इसकी ऐसी की तैसी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, इसको तो मैं चला जला के मारूंगा। ओ भाई ये काफी तेज आ रहा है यार, काफी तेज स्पीड में आ रहा है ये। शिट, चला गया शायद, चला गया भाई, नहीं वो शिट, ओ भाई ये कहाँ चला गया, कहाँ से अटैक करने वाला है। ओ भाई ये नहीं छोड़ने वाला आज इसको, ये यार ये वाली गन अच्छी है लेकिन ये फिर भी अटैक करने जा रहा है भाई। ओ तेरी, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यार, इसकी स्पीड कितनी तेज हो गई भाई, ये नहीं छोड़ने वाला आज, शिट। लेकिन मुझे इससे अब इतना डर नहीं लग रहा है, ये भाई ये पकड़ ही नहीं पा रहा हमें, मैं दूर दूर से मार रहा हूँ, ये देखो भाई कितना गंदा, शिट ये जाने वाला है बस की बस, तेरी ऐसी की तेजी, और भाई ये करीब आ रहा है, गया फाइनली, चला गया भाई।
तो फाइनली गाइस यार मैं उस केव वाले लोकेशन पर आ गया हूँ। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या सीन है अंदर। तो मैंने गेट खोल दिया है और कैसी हॉरर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। धीरे धीरे करके अंदर चलते हैं। और भाई ये केव कितनी ज़्यादा डेंजरस सी है। मैं अंदर आ गया और यहाँ पर मुझे सीटी की आवाज़ आ रही है कुछ। ओ भाई आगे एक गार्ड है, मुझे इससे बचकर रहना पड़ेगा। और ये हमें ठोक न दे और मुझे आराम से चलना पड़ेगा इसे देखते देखते। शायद वो आगे गए, यहाँ पर स्क्रैप पड़ा हुआ है और मैं ये क्या कर रहा हूँ वो मुझे देख लेगा। शिट, मुझे आगे चलना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक और स्क्रैप सिर्फ उठा लेता हूँ और उसने मुझे देख लिया, मुझे जल्दी भागना पड़ेगा भाई। ओ शिट, ओ मानना दे यार, मुझे एक और ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ यार, स्क्रैप उठा रहा हूँ मैं भाई। ओ मैं आगे शायद मैं एक के करीब हूँ, मुझे आगे चलना पड़ेगा और जल्दी। भाई ये पटेपट शॉटगन बजाया जा रहा है और यहाँ पर मुझे जल्दी चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक लिफ्ट है, जल्दी इसका लीवर दबा दो भाई। फाइनली हम फाइनली नीचे आ गए। तो मैं नीचे पहुँचने वाला हूँ और मुझे साउंड आ रहा है यहाँ पर एक और गार्ड है और मुझे देख कर चलना पड़ेगा यहाँ पर। कहीं गार्ड देख ना ले यार, और वो जा रहा है मुझे उसके साइड में जाते ही आगे भागना पड़ेगा। और वो ओ भाई जल्दी भागो जल्दी, शिट शिट, ओ मेरे सामने आग रखा हुआ है, मुझे जल्दी से कलेक्ट करना पड़ेगा भाई। शिट मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ ये, जल्दी भागते हैं यहाँ से, जल्दी मुझे लिफ्ट में जाना पड़ेगा। ओ शिट भाई। तो फाइनली गाइस एग अपने अंडर में आ चुका है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस मैं दूसरी वाली केव के पास भी आ चुका हूँ और जल्दी से इसको भी ओपन करते हैं गेट को और चलते हैं अंदर। और दूसरा वाला एग भी इकट्ठा करते हैं, जल्दी से उठाते हैं उसे वहाँ से। और ये जगह कितनी ज़्यादा डेंजरस है यार, यहाँ पर नीचे क्या बह रहा है पता नहीं, लिक्विड सा। तो मुझे यहाँ पर देख कर चलना पड़ेगा, यहाँ पर भी गार्ड हो सकता है, होगा हो सकता है क्या, यहाँ पर गार्ड हो गई। और ये जगह देखने में कितनी ज़्यादा डेंजरस ही है। तो फाइनली कैसे मुझे एग मिल चुका है, लेकिन सॉरी गाइस मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पता नहीं मेरे रिकॉर्डर में क्या दिक्कत हो गई थी, लेकिन फाइनली मुझे एग मिल चुका है। यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और ट्रेन में चलते हैं। तो मैंने कैसे ना कैसे एग तो इकट्ठे कर लिया, लेकिन क्या इन एग के होने के बाद भी मैं चार्ल्स को बुला पाऊंगा? तो क्या मैं इतने पावरफुल वेपन्स होने के बाद भी चार्ल्स को हरा पाऊंगा? तो बस कैसे आज के लिए बस इतना ही। फिर बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे के एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। तो बस इतना आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।